सीरीज लॉग। अच्छा अब इसके अंदर लॉग के अंदर क्या होता है, अब ये सारी चीजें देखते जाएंगे, बेसिक्स भी हैं आईआईटी एडवांस के और ये मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, क्वेश्चंस जो है उसके शेयर कर दिए, प्लस असाइनमेंट भी शेयर कर दी। ठीक है, अब कुछ चीजें लॉग लॉग के बारे में देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने। लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इज इक्वल्स टू होता है लॉग ए बी। सेकेंड फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल्स टू लॉग ए डिवाइडेड बाय बी। थर्ड चीज होती है लॉग ए की पावर बी, ए की पावर बी इज इक्वल्स टू बी लॉग। फोर्थ चीज होती है हमारी लॉग ए की पावर बी के बाद अगर आता है हमारे पास लॉग ए टू द बेस बी, ऐसे लिखा होता है, इसका मतलब होता है लॉग ए टू द बेस, इसका मतलब होता है लॉग ए बाय लॉग बी। अब अगर आता है कि ए की पावर एम लॉग एन टू द बेस ए इज इक्वल्स टू होता है एन की पावर एम। ये हमारे पांच फॉर्मूलेज हैं लॉग के ऊपर, इनके क्वेश्चंस हम आज करेंगे, ट्राई करेंगे इनको समझने की कोशिश करेंगे। ये पांच चीजें हैं लॉग में, लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल्स टू लॉग ए बी, ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, उसके बाद ही हम कोई क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते जाएंगे हम कि ये सारी चीजें जो है वो क्या है। गर्व, यस सर, अगर ये जहां पे चीजें ना समझ आए वहां पे बोल देंगे। ठीक है, ओके सर। सर फिफ्थ वाला बताना एक बार क्या लिखा है। ए की पावर एम लॉग एन टू द बेस ए। ठीक है, अच्छा अब एक और वैल्यू याद रखनी है, लॉग वन की वैल्यू जीरो होती, टू द बेस एनीथिंग इज जीरो। अब एक बार हम देखते हैं लॉग लेने का तरीका क्या होता है, बस जल्दी जल्दी एक बार लॉग समझ लेते हैं कि लॉग लेते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा कहीं पे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन का होल क्यूब अपॉन x की पावर x प्लस वन की पावर फोर। ठीक है, तो लॉग कैसे लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड व्हाट वी गेट इज लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग x स्क्वायर प्लस लॉग एक्स माइनस वन का होल क्यूब, जो भी मल्टीप्लीकेशन में होगा वो एड में हो जाएगा, डिवीजन में होगा वो सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस वन की पावर फोर। दैट इज इक्वलेंट टू लॉग, थर्ड प्रॉपर्टी लगाते हैं ए की पावर बी को, तो दैट इज इक्वलेंट टू टू लॉग एक्स, यहाँ पे आया थ्री लॉग एक्स माइनस वन और यहाँ पे आया फोर लॉग एक्स प्लस वन। दिस इज लॉग वाई, मैंने लॉग लेना तरीका बताया कि लॉग लेते गए। इसमें गर्व कोई डाउट है बच्चे? नहीं सर, सर बस एक चीज पूछूं कि लॉग का मतलब क्या होता है। बच्चे अभी है ना खाली फॉर्मूलेज के हिसाब से करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे है ना लॉगरिथमिक सीरीज जब होगी ना, जब एंट्रेंस का पोजीशन आएगा तब मैं बताऊंगा, अभी खाली क्वेश्चंस के लिए। लॉग का यूज बेसिकली क्या होता है, कैलकुलेशंस सॉल्व कर, कैलकुलेशंस के लिए आता है, कुछ जो कैलकुलेशंस जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लॉग यूज करते हैं। ठीक है, ओके सर, चलो अभी देखते हैं, अभी धीरे धीरे करके चीजें समझ आ लास्ट पेज। अच्छा चलो मैं इसी पेज पे एक और कर देता हूँ, एक बारी और लॉग लेके देखेंगे कि लॉग लेके मतलब क्या हुआ वो देखते हैं। एक और बारी लॉग लेते हैं, गर्व। यस सर, अब बोलोगे आप एक्स प्लस वन की पावर सेवन फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, क्या फिफ्थ पॉइंट फोर्थ बच्चे ये लिख फोर्थ पॉइंट लॉग ए टू द बेस बी, बेस बी ऐसे दिखाया जाता है, उसके नीचे सबस्क्रिप्ट का साइन होता है, लॉग ए बाय लॉग बी होता है, मतलब ये। ठीक है, x प्लस वन की पावर सेवन बाय x की पावर फाइव अपॉन x माइनस वन
इनटू एक्स माइनस टू की पावर सिक्स है। बच्चे लॉग लेके दिखाओगे जल्दी से? सर लॉग वाई इज इक्वल टू सेवन लॉग एक्स प्लस वन, वेरी गुड, प्लस सेवन लॉग सॉरी फाइव लॉग एक्स माइनस log x minus 1 minus 6 log x minus 2, very good। बात समझ आई है? Yes। ठीक है, अच्छा अब हम अभी तो हमने खाली इन तीन प्रॉपर्टीज के ऊपर जस्ट बताया है कि ये चीज क्या होती है। अच्छा ये क्या होता है, अब मेरे को गर्व तुम ही बोलना, अगर मैं कहीं लिखता हूँ log x minus 1 equal to 0, तो what is the value of x? log x minus 1 equal to 0, what is the value of x? question समझ आ गया? yes sir। तो 0 को क्या लिखते हैं? sir log 1, log 1 लिखते हैं, तो x minus 1 is equal to कितना आ गया? 1 is equal to आ गया, हाँ बोलो 2। सर एक बार fifth formula बता दीजिए, ये आया नहीं है। बच्चे fifth formula जो है ना वो अभी मैं explain करूंगा question में explain करूंगा, ठीक है? ओके सर। ये समझ आ गया जो log x minus 1 equal to 0 वाला? यस सर, यस सर। नैन्सी तुम बोलो, अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ log x minus 3 equals to 0 है, तो क्या लिखूँ x minus 3 की वैल्यू? तो सर वो देगा log log 3 log x minus log 3 log 1 लिखेंगे ना, log 1 0 होता है, 1 आ गया, x equals to 4 आ जाएगा। बात समझ okay, आ गई? okay, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट तो नहीं है? अच्छा चलो, अब जैसे आता है हम बोलते हैं, अगर एक प्रॉपर्टी थी जो हमने लास्ट में लिखा था a रेज टू m log n टू द बेस a, इसका हमने फॉर्मूला लिखा था n की पावर m, इसको फॉर्मूले को समझ लेते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा मेरे को चाहिए 2 की पावर 3 log 5 to the base 2, नैन्सी बच्चे आंसर क्या आएगा? सर इसका तो पता नहीं। बच्चे n की वैल्यू 5 हो गई, इसका 5 की पावर 3, हाँ 5 की पावर 3, ये 2 और ये 2 सेम होना चाहिए। जैसे अगर दूसरा क्वेश्चन आता है अर्नब, यस सर, अर्नब इसका आंसर बताना, 5 log 2 log 3 टू द बेस 5 सर 9, 3 का स्क्वायर दैट इज 9। चलो अब स्वयं, यस सर, स्वयं इसका आंसर बताना है 5 log क्या होता है 3 टू द बेस 4, बताओ। इसमें तो 2 की जगह तो 4 आ गया, हाँ 2 की जगह 4 है ना, तो क्या करूं, इसको देखते हैं log 3 by log 4 लिख सकते हैं? यस सर, यही होता है ना फॉर्मूला, log 3 टू द बेस 4 का मतलब यही होता है ना, log 3 by log 4। अब देखो इसे क्या लिखते हैं, 2 की पावर 5 log 3, इसको लिखा हमने, इसको हमने लिखा log 2 का स्क्वायर, That is equivalent to 2 log 2, हाँ कि नहीं? Yes sir। तो ये हो गया आपका 2 की पावर 5 by 2 log 3 to the base 2, दिक्कत है? No sir। तो ये कितना आ गया 3 की पावर 5 by 3 की पावर 5 by 2, बात समझ आई? Yes ठीक है ना? अच्छा एक और स्वयं बोलना, मैंने बोला 3 की पावर 4 log 5 सर टू द बेस, हाँ बोलो सर, इसके अंदर सर आपने लिखा सर log की log 2 की पावर 2, सर log 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 नहीं होगा? नहीं बच्चे, log 3 by log 4 है ना, मतलब तो log 4 का क्या होता है, log 4 होता है ना log 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 log 2, सॉरी सर वो log 9 दिख रहा था। अच्छा कोई बात, अच्छा आप okay, ये वाला देव तुम ही बोलो, 3 की पावर 4 log 5 टू द बेस 81, सर 3 की 3 4 अपॉन 4 log 5 अपॉन 81 सर, इसके बाद आएगा सर 3, हाँ बोलो, बोलते जाओ
थ्री लॉग की पावर फाइव, क्योंकि सर फोर बाय फोर कट जाएगा सर, वहाँ थ्री की पावर फोर होता है 81 ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, फोर लॉग थ्री फोर से फोर कट जाएगा, लॉग फाइव टू द बेस थ्री, तो आंसर इसका क्या आएगा, फाइव की पावर वन। सर ये वाला फिर से समझा दो। सर ये नहीं आया। कोई बात नहीं बच्चे, किसको नहीं समझ आया था? सर रितिका, नैन्सी। रितिका तुम बोलो। यस सर। मैं लिख रहा हूँ टू रेज टू फाइव लॉग फाइव टू द बेस 32। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। जल्दी बोलो। सर टू लॉग Excuse me, sir. हाँ बोलो। ये ना second step है ना, ये नहीं आया। ये log 32 कैसे आया? नहीं सर उसके बाद वाला। उसके बाद वाला log 32 को लिखते हैं log 2 की पावर 5। हाँ सर लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 5 होता है 5 log 2। ओके सर ओके आ गया। सही है। एक नैन्सी तुम बोलो। 5 की पावर ये टू लॉग 10 की बेस 0.5। क्वेश्चन समझ आ गया? फाइव की बार। अच्छा मैं दूसरे पेज में करूँ। फाइव की बार थोड़ा बड़ा लिखो। टू लॉग 10। अब बोलो जल्दी। नैन्सी यस सर। क्वेश्चन दिख गया? अब Yes, sir. अब बताओ क्या करूं? सर दिख नहीं। क्या नहीं दिख रहा बच्चे? सर स्क्रीन बार बार। बच्चे और किसी की स्क्रीन? नो सर। चलो टू लॉग टेन टू द बेस 0.2 यहाँ पे बेस में ना, मैं दोबारा क्वेश्चन लिख देता हूँ। 5 रेज टू 2 log 10 टू द बेस 0.2। बताओगे बच्चे नैन्सी? यस सर। सर ये बोलो क्या करूँ? 5 की पावर 2 और log 10 बेस में। तो ये आ गया 5 रेज टू 2 log 10 डिवाइड बाय log 1 माइनस log 5। सही है। डिवाइड में log 1 जीरो होता है। log 1 जीरो होता है। तो ये आ गया आपका 5 रेज टू 2 log 10 डिवाइड बाय माइनस log 5 which is equivalent to 5 raised to minus 2 log 10 to the base 5. नैन्सी आवाज बंद कर लो। सर नैन्सी आवाज बंद कर लो। हाँ बोलो। सर आपने ये माइनस क्यों किया? क्या यहाँ आपने नीचे माइनस किया? यस सर। log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये माइनस log 5 रह गया, तो नेगेटिव अपने आप आ गया ना। सर आपने वो डिवाइड वाला लॉग का वो यूज किया ना? हाँ लॉग ए बाय बी लॉग ए माइनस लॉग बी। ओके थैंक सर। समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा अब आर्यन। आर्यन यस सर। आंसर इसका अब आर्यन इसका आंसर बोलो। हाँ बोलो सर। इसमें आंसर 10 की पावर 2 नहीं लिख सकते थे बच्चे? माइनस को प्लस कैसे लिख सकते हो आप? नहीं सर जैसे फर्स्ट ये माइनस दिख रहा है ना, ये माइनस है ना? नहीं सर यहाँ पे माइनस लिखे स्टार्ट। नहीं सर स्टार्टिंग में। कौन से क्वेश्चन में किया बच्चे मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव?
नहीं सर, हम मतलब ऐसे कह रहे हैं। नहीं बच्चे ऐसे नहीं कर सकते, मैंने किसी पेज में लो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन में तो किया ही नहीं, ये रहे सारे क्वेश्चन। जैसे 5 की पावर 3 लिखा था, 5 की 3 पॉजिटिव होता है ना बच्चे, यहाँ पे देखो हर क्वेश्चन में यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, जहां पे नेगेटिव आएगा वहीं पे तो नेगेटिव लिखूंगा, ठीक है? ओके चलो। अब ये कहता है, किससे बोला था मैंने, तुम ही बोल दो चेतन। चेतन यस सर। चेतन इसका आंसर बोलो, लॉग ए टू द बेस बी इंटू लॉग बी टू द बेस सी इंटू लॉग सी टू द बेस डी इंटू लॉग डी टू द बेस ए, इसका आंसर निकालना है, इक्वल टू वन प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। आ गया? यस सर। हाँ तो पहले वाले का एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी लॉग ए टू द बेस बी की? सर मैं बताऊं? अच्छा log a by log b, दूसरे की क्या आएगी? log b by log c, c next की क्या आएगी? log c by log d, next की क्या आएगी? log d by log a, सारे कट गए कि नहीं? यस सर। तो आंसर क्या आ गया? वन। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? आर्यन तुम बोलना। यस सर। आर्यन जल्दी से बोलना। क्वेश्चन है आपका, अगर मेरे को ये दे रखा है लॉग टू टू द बेस थ्री, नहीं एक मिनट अभी दूसरा क्वेश्चन। बच्चे मेरे को है ना एक्स की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की। तो क्वेश्चन में दे रखा है लॉग एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन समझ आ गया? Sir. बोलो क्या करूं? सर हम इसको लिख सकते हैं log x plus 1 divided by log x minus 1, ठीक है, equals to 1, 1 को क्या लिखूं? x plus 1 upon x minus 1 equals to log 0 ना लिखूं इसे? log एक मिनट सॉरी, ये समझ आ गई नहीं इतनी बात? 1 आ गया? यस सर। इसका बेस जो होगा वो 10 ले रहा हूं मैं, सारे क्वेश्चन में ज्यादातर मैं 10 ही लूंगा बेस, ध्यान रखेंगे सारे क्वेश्चन में मैं जो भी अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ जहां पे बेस गिवन नहीं है वहां पे 10 ले रहा हूँ, बेस प्रोवाइडेड होता है ज्यादातर। इसका मतलब क्या हो गया आर्यन? लॉग एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन अपॉन लॉग 10 इक्वल्स टू 1, क्या लिखूं इसे? लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग इक्वल्स टू लॉग 10। अब बोलो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 कितना आ गया? 10। तो x plus 1 is equals to 10x minus 10 आ गया? Yes sir। तो 9x is equals to कितना हो गया? 11। x equals to 11 by 9। समझ आ गई बात? सर ये second step समझ में नहीं आया। ये वाला step? नहीं सर इससे ऊपर वाला। सर ये आपने 10 क्यों लिया? बच्चे कहीं भी अगर define नहीं दे रखा हो तो base 10 लेना हमेशा। ओके सर। ठीक है अभी तुम ही बोलो अर्णव। अगर अर्णव दे रखा है जीरो होती है, वन होती है क्या? लॉग टेन की वैल्यू वन होती है? बिल्कुल वन होती है। इक्वल्स टू टू दे रखा है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सही है अर्णव बोलो। ओके सर। सर तो पहले हम इसको लिख सकते हैं लॉग टू एक्स प्लस वन अपॉन लॉग टू एक्स माइनस वन। 2x plus 1 upon 2x minus 1 पूरे का log है, upon log नहीं बोलेंगे। Yes sir। Equals to 2। Base क्या लिख दूं? Sir 10। तो sir, क्या लिखूंगा? Log log 2x हाँ। plus 1 upon 2x minus 1 और नीचे log 10 upon में log 10। ठीक है। हाँ sir। Sir फिर 2 log वो log 10 की value हम 1 हो जाएगी? नहीं नहीं 2 log log से log काटेंगे ना, log 10 का square हो गया। अच्छा। Yes sir। हाँ sir। अच्छा अब बताओ 2x plus 1 over 2x minus 1 कितना आ गया? सर 100। 2x plus 1 is equals to कितना हो गया? 200x minus
100 198x is equals to 101 101 divided by 198 is equals to x. बात समझ आई? Yes sir. कोई दिक्कत तो नहीं? No sir. अच्छा अब ये कहता है आर्यन तू बोल. नहीं मल्लिका. अरे फोर्थ लास्ट टेस्ट में नहीं आता बच्चे, मैंने रब कर दिया बोला. अच्छा अभी देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं. कौन बोल रहा है? यशमित. यशमित अब ये वाला क्वेश्चन देखो, तुम्हारे को सारी चीजें समझ आ जाएंगी. क्वेश्चन है लॉग टू का बेस है, लॉग थ्री का बेस है, लॉग एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर. यशमित इसका मतलब क्या हुआ? बोलो. यही हुआ ना मतलब? ठीक है ना यशमित? यस सर. ये समझ आ गया? लॉग बाय लॉग टू लिख दिया. नहीं आया सर. बच्चे अच्छा छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं. चलो देखो लॉग थ्री लॉग फोर एक्स इज इक्वल टू फाइव दे रखा, एक्स की एल ए निकालने. क्वेश्चन समझ आया? यस सर. अब ये इसको पढ़ेंगे कैसे, एक बार पढ़ के बताओ क्या बोलोगे? log ऑफ log x टू द बेस 4 बेस 4 log ऑफ log x टू द बेस 4 टू द बेस 3 सही है. अब yes, पहले sir. वाले का मतलब जो होगा log log 4x डिवाइड बाय log 3 आएगा इज इक्वल टू 5 आएगा. समझ आ गई बात? यस सर. अब इसको हम लिखेंगे log log 4x इज इक्वल टू 5 log 3 लिखेंगे इज इक्वल टू log 3 की पावर 5 लिखेंगे. यस सर. ये log से ये log कटेगा, log x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 5 आ गया. यस सर. इसको लिखेंगे log x बाय log 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 5. log x is equals to कितना हो गया 3 की पावर 5 log 4 तो that is equal into log 4 की पावर 3 की पावर 5 हो गया. log से log कट गया, x is equals to कितना आ गया 4 3 5 पावर में. बात समझ आई? यस सर. एक और क्वेश्चन लेते हैं. नहीं समझ आया? स्टेप्स समझ नहीं आया. ये वाला नहीं सर, इससे ऊपर वाले. अच्छा बच्चे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो गया ना, ये इसको ना इस पूरे को सर्कल को जो मैं टी मान लेता हूँ, इसका मतलब क्या है? अर्नब पढ़ के बताओ. अब इसका मतलब ये हो गया log t टू द बेस 3. सर गर्व बोल. गर्व एक मिनट. yes, एक एक करके गर्व गर्व log t टू द बेस 3 हो गया. यस सर. लॉग टी टू द बेस 3 का मतलब होता है लॉग टी बाय लॉग 3 होता है. सर इससे ऊपर वाला समझ नहीं आया था स्टेप. इससे ऊपर वाला स्टेप था ही नहीं ना बच्चे, कुछ मैंने काट दिया ना ये क्वेश्चन. अच्छा सर. अच्छा ये नया क्वेश्चन है ना यहाँ पे लॉग 3 लॉग x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 5. अब समझ आ गया? यस सर. अच्छा और किसको डाउट है इस क्वेश्चन में? सर ये एक्स की सर जो एक्स की वैल्यू आई है वो 4 की पावर 3 इनटू 5 है या 3 रेस टू दी पावर 5 पावर 5 4 की पावर 3 की पावर 5 81 4 की पावर 81 243. हां ठीक है. और किसी को डाउट है? सर आप एक और सर एक बार लॉग का मतलब बता दो. एक और क्वेश्चन कराऊंगा. हां बोलो चेतन क्या दिक्कत है? सर एक बार चेतन बोलो बच्चे. नहीं आया लॉग का. लॉग का मतलब क्वेश्चन समझ आए हैं कि नहीं? मतलब नहीं आया समझ. क्या नहीं समझ आया बच्चे? लॉग का मतलब तो अभी आए हैं. क्वेश्चन आया ना, क्वेश्चन ही समझो अभी. वो जो उसका मतलब होता है वो मैं डिटेल में अलग से समझाऊंगा. ये अभी चीज खाली कैलकुलेशंस के लिए काम करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में आएगी काम, इसलिए करवा रहा हूँ. ठीक है चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं. किस गर्ल ने बोला था जिसको समझ नहीं आया ये वाला? रितिका. रितिका बोलो. मेरे को क्या होता है क्वेश्चन दे रखा है log 3 log 4
x plus 1 is equals to 2 दे रखा। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब बोलो इसे ये लिखेंगे कैसे? सर log x plus 1 divided by log 4 is equal to 2 log is equal to log 2। देखो log of log क्या लिख रहा हूं मैं? log of log 4 x plus 1 is equal to 2। रितिका ये स्टेप क्लियर है? सर मुझे बात पूछनी थी, आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में तो log 4 को नीचे डिनोमिनेटर में रखा था। बच्चे क्वेश्चन वो डिफरेंट था, ये क्वेश्चन डिफरेंट है। पहले बाहर वाले से चलेंगे ना, अंदर तो जा ही नहीं सकते। ओके सर। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया। अभी कोई बात नहीं, इसके ऊपर दो तीन क्वेश्चन और लेंगे। x plus 1 is equals to 2 log 3, कोई डाउट? नो सर। तो ये हो गया log 9 3 का स्क्वायर। ठीक है, यस सर। log से log कट गया, तो ये हो गया आपका log 4 बेस में x plus 1 is equals to 9। बात समझ आ गई? यस सर। अब इसको लेके जा सकते हैं नीचे, log x plus 1 by log 4 is equals to 9, log x plus 1 is equals to 9 log 4, that is equal to 4 की power 9, log x plus 1 is equals to log this, log से log कट गया, x plus 1 is equals to 4 की power 9, x equals to 4 की power 9 minus 1, बात समझ आ गई? यस सर, आते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। मल्लिका? यस सर। log 5 log 6 x minus 1 is equals to 2 दे रखा है, जल्दी बोलो। सर log log 6 minus 1 upon log 5 is equal to 2, then log log 6 x minus 1 equal to 2 log 5, that is equal to log 5 raised to the power 2। ठीक है, log से log कट गए ये। log 6 then log x 6 minus 1 x minus 1 ठीक है 25 log yes, x sir. minus 1 is upon log 6 is equals to 5 की power 2, तो ये हो गया log yes. x minus 1 is equals to 5 की power 2 20 log 6 इसको लिखते हैं 6 की power 25 log x minus 1 is equals to this x minus 1 is equals to 6 की power 25 x is equals to 1 plus 6 की power 25। बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर हमारा क्वेश्चन आता है, अब कौन बोलेगा? स्वयं? यस सर। स्वयं एक दो चीजें प्रूफ करनी है, ठीक है? एक क्वेश्चन आता है, मेरे को क्वेश्चन दे रखा है log a plus b by 3 is equals to, आपको दे रखा है half log a plus log b, ठीक है? What you have to prove is, आपको प्रूफ करना है a square plus b square is equals to 7ab। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। जल्दी बोलो क्या करूं? इसको क्या लिखते हो? हाफ लॉग ए प्लस लॉग बी को क्या लिखते हो? स्वयं लॉग ए प्लस लॉग बी का नहीं, लॉग ए बी होता है ना, ठीक है सर। ये आ गया टू लॉग ए प्लस बी, टू लॉग ए प्लस लॉग ए बी, ठीक है, ए प्लस बी बाई थ्री। सॉरी, अब ए प्लस बी बाई थ्री का क्या आ गया? होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए बी, लॉग ए बी से लॉग कट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए बी नाइन ए बी, नाइन ए बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab आ गया। यस सर। समझ आ गई बात? यस सर।
गर्व यस सर आपको बताना बच्चे गर्व आंसर बोलोगे इसका बच्चे ये रखा है नए पेज पे करूंगा बच्चे इसका बताना है लॉग टू टू द बेस थ्री कॉमा लॉग टू की पावर एक्स माइनस फाइव टू द बेस थ्री और एक दे रखा है लॉग टू की पावर एक्स माइनस सेवन बाय टू टू द बेस थ्री ये तीनों नंबर्स जो है ना ये तीनों क्वांटिटीज एपी में है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्वेश्चन समझ आ गया गर्व यस सर गर्व हाँ जल्दी से बताओ कैसे करना है यस सर सर लॉग टू एक्स माइनस फाइव टू रेस पावर एक्स माइनस फाइव टू द बेस थ्री एक मिनट टू रेस टू एक्स माइनस फाइव टू द बेस थ्री इज टू बी इक्वल टू ए प्लस सी लॉग टू टू द बेस इक्वल टू प्लस लॉग थ्री टू की बार एक्स माइनस सेवन बाय टू दिक्कत तो नहीं सही है नो सर अब इसको क्या लिखेंगे टू लॉग ये वाला लॉग थ्री टू की बार एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर हो गया यस सर इसको क्या लिखते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी क्या लिखते हैं सर लॉग टू बाय लॉग थ्री नहीं इसको लिख दिया ना लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए बी होता बेस सेम है ना लॉग थ्री अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब ये टू की पावर एक्स को मैं टी मान लेता हूँ सॉल्व करने के लिए तो ये क्या लॉग थ्री कट जाएगा ना टी माइनस फाइव का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू टी माइनस सेवन बाय टू तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस टेन टी इज इक्वल टू टू टी माइनस सेवन सही है यस सर टी स्क्वायर माइनस ट्वेल्व टी और ट्वेंटी फाइव प्लस सेवन कितना हो गया थर्टी टू कितना हो गया एट फोर फैक्टर्स एटी माइनस फोर टी प्लस थर्टी टू इज इक्वल टू जीरो टी इंटू टी माइनस एट माइनस फोर इंटू टी माइनस एट इज इक्वल टू जीरो तो टी माइनस फोर इक्वल टू जीरो और टी माइनस एट इक्वल टू जीरो तो टी की वैल्यू क्या हो गई टू की पावर एक्स इज इक्वल टू फोर टू की पावर एक्स इज इक्वल टू एट तो एक्स की वैल्यू आपकी टू आ गई और एक्स की वैल्यू क्या आ गई थ्री क्वेश्चन समझ आ गया समझ आ गया बच्चे चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं नंदनी यस सर बच्चे इसका आंसर बोलना है लॉग टू टू द बेस थ्री इंटू लॉग थ्री टू द बेस फोर इंटू लॉग फोर टू द बेस फाइव टिल अप टू लॉग फिफ्टीन टू द बेस सिक्सटीन इसका आंसर निकालना क्वेश्चन समझ आ गया यस सर जल्दी बोलो लॉग टू टू द बेस थ्री का मतलब क्या होता है लॉग टू बाय लॉग थ्री log 2 by log 3 दूसरे का log 3 by log 4 आगे log 4 by log 5 लास्ट का तो सर आगे पे log 2 into log 15 बचेगा शायद एक मिनट देख लेते हैं log 2 log 3 log 3 log 4 log 4 ऐसे यहां से ये कट जाएगा तो log 2 by क्या बचेगा log 16 16 को क्या लिखते हैं बोलो सर टू की पावर लॉग टू की पावर फोर लॉग टू बाय फोर लॉग टू से लॉग टू कट जाएगा आंसर क्या आएगा वन बाय फोर बात समझ आई है यस सर कोई डाउट तो नहीं नो सर चलो ये यहां तक बच्चे सबको समझ आ गया यस सर किसी को डाउट्स तो नहीं है चलो एक और क्वेश्चन करके देखेंगे अगर हो जाता टाइम बचता है तो देखो बच्चे अगर क्वेश्चन आता है अभी इसके बाद एक और क्लास होगी 15-20 मिनट की और क्लास होगी ठीक है तो उसको अभी अटेंड करना है ठीक है अभी 15-20 मिनट की क्लास रह रही है इमीडिएटली ज्वाइन करना हाँ नहीं 5 मिनट्स के बाद
5 मिनट अनन्या 5 मिनट लगेंगे ना वीडियो में? यस सर। अच्छा चलो ये क्या होता है, हमारा क्वेश्चन आता है 2 रेज टू log x माइनस 1 टू द बेस रूट 2 इज इक्वल्स टू इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन समझ आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कृष्णा चलिए, यशमीत, यशमीत यस सर, यस सर। चलो देखो इसका कैसे करेंगे, 2 रेज टू क्या लिखेंगे, log x माइनस 1 बाय log log रूट 2 2 की पावर हाफ, ठीक है। इसको लिखते हैं 2 रेज टू log x माइनस 1, हाफ आएगा तो इसका अल्लाह 2 यहां पे आ जाएगा, यहां पे log 2 आ जाएगा, इक्वल टू 3। तो यहां पे क्या आएगा आपका, 2 रेज टू 2 log x माइनस 1 टू द बेस 2, टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। ये आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 3, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 2 और डिवाइड बाय कितना आएगा 2। ये आंसर आ जाएगा आपका x का, ठीक है। अब 5 टू 10 मिनट्स के बाद क्लास दोबारा से ज्वाइन करेंगे सारे, ठीक है। तब तक है ना असाइनमेंट के, जो असाइनमेंट भेजी थी IIT एडवांस वाली, उसके कौन से पेज नंबर पे है वो मैं बता देता हूँ। लॉग जो है पेज नंबर 6 पर है, पेज नंबर 6 ऑफ असाइनमेंट, पेज नंबर 6 ऑफ असाइनमेंट पे लॉग दे रखा है। टोटल 18 को 18 क्वेश्चन दे रखे हैं, ट्राई करेंगे उसको।